ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वहीं नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। 2024 के लिए इस चुनाव के परिणाम ने समाजवादी पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता को ऊर्जा देने का काम किया है। इस चुनाव के परिणाम ने 2024 के लिए संदेश दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को जोश और उनको ऊर्जा देने का काम किया है। वहीं जनता को ये भरोसा भी है कि जो लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं और जिनकी सरकार में बड़े पैमाने पर गरीब और शोषित पीड़ित लोग हैं, उनके खिलाफ जो लगातार साजिश हो रही है, और इस मौके पर मैं धन्यवाद दूंगा, मैं किसनी की विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ता जनता का धन्यवाद देता हूँ। भूगांव की जनता ने जो समर्थन दिया है, हम भूगांव की जनता को भी बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से सबने मिलकर के पार्टी को जिताया है, हम उनका सम्मान करने का काम करेंगे। सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है, और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जब संपर्क हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी, और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है, और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। धन्यवाद।